नमस्ते दोस्तों, क्रिप्टो दोस्त के इस अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मार्केट का हाल और हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। तो देखिए दोस्तों, मुझे पता है आसान नहीं होता है जब आप देखते हैं कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स रेड में हैं। जो आपका हाल है वही मेरा हाल है। बहुत सारे मेरे भी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं अभी फिलहाल लॉसेज में चल रहे हैं, बहुत कम प्रॉफिट में चल रहे हैं दोस्तों। तो ये एक नेचुरल कर्व है, ये थोड़ा सा जो है इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा ही बॉटम में पहुँच गया। इनफैक्ट अभी तो मुझे थोड़ा सा रिकवरी लग रहा है दोस्तों, सुबह तो बहुत ही ख़राब हालत थी। इनफैक्ट मैंने देखा कि लाइटकॉइन कुछ 7,500 के आसपास मुझे देखा था कॉइनएक्स पे प्राइस, बिटकॉइन कुछ 5,500 के आसपास था जेप्पे पे मैंने जब देखा था, रिपल ऑलमोस्ट 50 रुपये में, तो 50 रुपये तक पहुँच गया था। मेरे एक दोस्त ने 50 रुपये में रिपल खरीदा भी, तो उसको ऑलरेडी देखिए प्रॉफिट हो गया है। तो आज जो सिचुएशन बहुत ही खराब था सुबह सुबह, पर अभी मुझे लगता है जैसे जैसे यूरोप खरीद रहा है, फिर यूएस खरीद रहा है, टाइम जोन उनका है, अभी वो उठ के अभी वो लोग खरीद रहे होंगे करेंसीज, तो उस वजह से मुझे लग रहा है मार्केट में थोड़ा सा जो है रिकवरी आया है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा हालत खराब है। तो आप अभी डिपेंड करता है आप देखते कैसे हैं दोस्तों इस मार्केट की ओर। अभी कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा रेड मार्केट है, डेंजर जोन है, जहां पे लोग एंटर नहीं करना चाहते हैं, वो भी एक सही तरीका है सोचने का। दूसरा जो है तरीका, मेरा जो तरीका है सोचने का दोस्तों, वो ये है कि मुझे लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं लगता क्रिप्टो करेंसी क्रैश हुआ है, मुझे लगता है एक बहुत ही हेल्दी करेक्शन आया है, कुछ ज़्यादा ही आया है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत जल्दी जो है ये चीज़ संभल जाएगी और हम बहुत जल्दी वापस ग्रीन सी के, अभी पूरा रेड सी है, इसे हम ग्रीन सी की ओर देखेंगे। तो अगर प्राइसेस की ओर इंडिविजुअली नज़र घुमाएं दोस्तों, तो ये बिटकॉइन अच्छे प्राइस पर, इनफैक्ट आज $8,000 के आसपास इनफैक्ट नीचे गिर गया था $8,000 से। ये देखिए उसका लोएस्ट प्राइस अगर हम चेक करें दोस्तों, तो यहाँ पे तो 8948 अभी बता रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आए हैं वो दिन सुबह मैंने तो नहीं देखा था उसे गिरते हुए 8,000 से नीचे, पर $8,000 के नीचे जाके आ चुका ये। हाँ ये देखिए 7796 को टच करके आया बिटकॉइन दोस्तों। तो मतलब सोचिए कितना कम हो गया था बिटकॉइन, एक टाइम पे कितना ऊपर चल रहा था $13,000-$14,000 के आसपास, और हाईएस्ट अगर आप बिटकॉइन का देखें अभी तक जो गया है, वापस मैं मार्केट की ओर लेके चलता हूँ आपको, डेटा लोड हो रहा है, ये देखिए 19,000 तक टच करके आया बिटकॉइन। तो सोचिए दोस्तों जिन्होंने इस प्राइस के आसपास एंटर किया होगा उसमें कितना, और December 22 एक सवा महीने पहले की बात है दोस्तों की December 22 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस जो था 20,000 के आसपास पहुंच गया था, और आज सोचिए 7,796 के आसपास। तो ऑब्वियसली जिसने यहाँ पे खरीदा उसको थोड़ा सा परेशानी तो होगा दोस्तों, ऑब्वियसली बात तो ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल भी है कि आप थोड़ा प्रेशर में आ रहे होंगे क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन दोस्तों सिंपल सी बात है, मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना कि आप लूज कर सकते हैं। तो अगर आपने सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा तकलीफ होगी इस चीज़ से। अगर आपने हाँ बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया दोस्तों, तो ऑब्वियसली ये आपको स्ट्रेस में लाएगा कि ये करेंसीज जो है बहुत लो चल रहे हैं। लेकिन अगर आप उतना ही इन्वेस्ट करेंगे जितना आप लूज़ कर सकते हैं, इसे अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 10-15% अगर आप उससे ज़्यादा आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो जनरली मुझे लगता है आप थोड़ा शांत रहेंगे सिचुएशन में। मैंने अपने पोर्टफोलियो के 10-15% ज़्यादा नहीं किया इन्वेस्ट दोस्तों, मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट्स। मेरे कुछ पैसे स्टॉक्स में होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स में है, कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स में है। तो ऐसे करके आप डाइवर्सिफाई कीजिए दोस्तों, गोल्ड खरीद लीजिए थोड़ा सा, तो ऐसे करके आप डाइवर्सिफाई करने का सोचिए दोस्तों। रिस्क जो है डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होगा, कभी स्टॉक मार्केट आपका ऊपर रहेगा तो आपके स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, कभी क्रिप्टो करेंसी डाउन है स्टॉक मार्केट ऊपर है, कभी क्रिप्टो करेंसी ऊपर है तो स्टॉक मार्केट नीचे। तो ऐसे करके आपको रिस्क जो है अलग अलग बास्केट्स में रखने चाहिए, ताकि आप जब ओवरऑल एक देखें आपका, आप हमेशा एक प्रॉफिट में ही रहें। तो बिटकॉइन का तो ये मैंने हाल बताया, बाकी भी अगर आप कॉइन्स देखेंगे दोस्तों मार्केट में, तो हाल वैसे ही था। इथेरियम अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी था आज, देखिए अभी भी $1,000 से कम है इथेरियम, तो मुझे फ्यूचर लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इथेरियम कल को जाके बिटकॉइन से भी वैल्यूबल हो जाएगा। वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म्स में बहुत विश्वास है। बिटकॉइन प्योर करेंसी है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म्स है दोस्तों, इथेरियम है, फिर कार्डानो है, नियो है, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स है दोस्तों, वहाँ पे लोग आके अपने एप्लीकेशंस बना रहे हैं उनके ब्लॉकचेन पे। तो ऑब्वियसली बात है जब आके इतने सक्सेसफुल एप्लीकेशंस बनते हैं, अब इथेरियम पे तो बहुत बड़े बड़े कॉइन्स है दोस्तों, तो ट्रॉन हो गया, कॉन्स्टैम्प हो गया, ये सब इथेरियम पे बने दोस्तों। तो ऑब्वियसली एक बड़े प्लेटफॉर्म में जब आके इतने सक्सेसफुल टोकन बना रहे, तो ये प्लेटफॉर्म कैसे ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों। तो मुझे तो इथेरियम में बहुत विश्वास है। आप इथेरियम अगर आप सोच रहे हैं कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, इधर कहाँ शॉपिंग करनी चाहिए, लेकिन आपको ज़्यादा टोकन्स वगैरह नहीं खरीदना, आपको ज़्यादा सोचना नहीं उस बारे में, तो मैं बोलूँगा आप इथेरियम आराम से खरीद सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इथेरियम आगे जाके बढ़ना ही है। प्लीज़ ये याद रखिए दोस्तों, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इन्वेस्ट करने से पहले आप एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना कि आप लूज़ कर सकते हैं।
तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज अगर हम वापस देखें दोस्तों, इथीरियम तो मैंने बताया, रिपल अच्छा था आज सुबह बाइंग अपॉर्चुनिटी 87 सेंट्स के आसपास, मुझे नहीं लग रहा है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कार्डानो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों, 30 सेंट के आसपास डेफिनेटली। नियो मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है इस साल। लाइट कॉइन अभी बहुत प्राइस उसका स्टेबल से कम था दोस्तों, आज तो बहुत ही नीचे गिर गया था, अभी भी प्राइस उसका ठीक ठाक है 136। आयोटा मुझे $2 के अंदर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आयोटा भी आज काफ़ी गिरा था 1.6 के आसपास मैंने उसे देखा था डॉलर। ट्रॉन आज 3 सेंट पे था, अभी वापस 4 सेंट पे आ गया रात तक। तो अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों, अच्छे अच्छे कॉइन्स आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। अगर आप इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है मार्केट एंटर करने का। ऑब्वियसली अभी हमें पता नहीं है कि इस मार्केट का बॉटम क्या है दोस्तों, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, कुछ टेक्निकल एनालिसिस वाले प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन हमें क्या पता आगे जाके क्या होगा। अब टेक्निकल एनालिसिस का प्रॉब्लम यह है कि वो ग्राफ्स एंड चार्ट्स देखते हैं, लेकिन कोई कौन सी न्यूज़ अफेक्ट कर रही है उस चीज़ को, उसका वो लोग इंडिकेट नहीं कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। तो ये बात है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आप समझ सकते हैं ग्राफ की और एक डेटा पकड़ के कि आप ये मार्केट जाने कहाँ वाला है। लेकिन अगर आप न्यूज़ को कंसिडर कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं दोस्तों जो एक कॉइन के प्राइस को अफेक्ट करते हैं, तो वो सब चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस में नहीं आती। तो कोई इसे एक्यूरेटली नहीं कह सकता कि इस मार्केट का बॉटम क्या है। मुझे लगता है तो आपको क्या करना चाहिए कि थोड़े थोड़े डिप्स में जो आपको प्राइसेस अच्छे लग रहे हैं कॉइन्स के, वो आप ले लीजिए। मेरा ये अंदाजा है दोस्तों कि ये जो कॉइन्स है, जब मार्केट वापस एक बुल फेज में या एक ग्रीन फेज में वापस जब जाएगा, तो मुझे लगता है ये कॉइन अपने जो पुराने ऑल टाइम हाइज थे उनके, वो उसको टच जरूर करेंगे। तो वैसा होगा तो आप जनरली हर कॉइन जो भी आप अच्छा अच्छा अगर आप प्रोजेक्ट्स चूज करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिए मत दोस्तों, मैं खुद ट्रेडर नहीं हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। आप को मैं बेस्ट स्ट्रैटेजी ये रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पकड़े, अच्छे अच्छे कॉइन्स पकड़े और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें दोस्तों। देखिए अभी तो ये एक तरीके का पहला ही इनिंग है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, ब्लॉकचेन का। तो अभी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनने हैं दोस्तों, कार्डानो पे प्रोजेक्ट्स आने हैं, इथीरियम के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इथीरियम पे बन के, उसको तो अभी धीरे धीरे एक्सपैंड होना दोस्तों, इस साल इतना काम होना है ब्लॉकचेन पे। तो मुझे लगता है बहुत ही अभी एक शुरुआती दौर है दोस्तों। आयोटा ने तो अभी तक एक मेन स्ट्रीम इंटीग्रेशन भी नहीं किया, तो धीरे धीरे जब चालू करेंगे दोस्तों ये सब करना कॉइन्स, तो हमें समझ में आएगा कि विनर्स कौन है, कौन पीछे रह रहा है, हो सकता है कुछ नए कॉइन्स भी उभर के सामने आए दोस्तों। तो ये टाइम है देखने का इस चीज को कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, और सिर्फ इसमें पैसा डालिए और लॉन्ग टर्म के रखिए दोस्तों। अभी पैसा देखिए, आप अगर उतना ही पैसा डालेंगे जितना कि आप लूज कर सकते हैं, तो आप उसे आप भूल भी सकते हैं। पैसा डालिए, सेफली रखिए और भूल जाइए दोस्तों, और फिर डेली डेली आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स में डाल रहे हैं तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत सारे मेरे दोस्तों के साथ ये हुआ है कि पैसे डाल देते हैं बहुत सारे, उसके बाद फिर थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है कि कैसे डालेंगे कैसे करेंगे। तो मैं आपको यही बोलूंगा दोस्तों, प्लीज उतना ही डालिए जितना जिससे आप स्ट्रेस में ना आए। मैं नहीं चाहता हूँ कि इससे आपकी फैमिली लाइफ के, आपकी पर्सनल लाइफ पे कुछ फर्क पड़े, तो प्लीज उतना ही इन्वेस्ट करें जितना कि आप लूज कर सकते हैं। बार बार मैं रिपीट करूंगा दोस्तों, और ऐसे मार्केट में और जरूरी हो जाता है समझना। और जो मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने नवंबर अक्टूबर वगैरह में एंट्री किया था दोस्तों, तो आपने एक बुल फेज देख लिया ऑलरेडी, फिर आपने कभी एक बेयर फेज देखा दोस्तों। तो ये आप लोग के लिए एक अच्छा लेसन है कि मार्केट में जो है उतार और चढ़ाव आते रहते हैं दोस्तों, तो हमें दोनों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। हम जब मार्केट ग्रीन में होता है तो हम खुश होते हैं, राइट, क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो जब रेड में है दोस्तों, इसे भी हमें एक पार्ट एंड पार्सल समझना चाहिए गेम का, और इसे हमें अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए नए नए और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और कॉइन्स खरीदने के लिए दोस्तों। तो अगर आप स्ट्रैटेजी में से पूछेंगे मेरी, तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करें ज़्यादा, फिर थोड़ा सा करेंसीज में इन्वेस्ट करें, और फिर टोकन्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि टोकन्स जो है वो फाइनली एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बने, तो अगर वो अंडरलाइन प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग है तो टोकन्स भी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। तो मुझे प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा विश्वास है। इथीरियम मेरा अभी इस टाइम पर पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इथीरियम एज एन इन्वेस्टमेंट खुद में ही बहुत अच्छा है, और अभी जो ICOs वगैरह अच्छे अच्छे आने वाले हैं उसमें भी मुझे लगता है इथीरियम आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा देगा। ये देखिए, एक दो मैं आर्टिकल्स दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, CNBC ने रिपोर्ट किया कि बिटकॉइन का जो प्राइस है $8,000 से पहली बार नीचे गिरा नवंबर 24 के बाद। ये देखिए न्यूज में उन्होंने कहा है कि $8,000 से पहली बार नवंबर 24 से, 2 महीने पहले के रेंज तक आ गए हम लोग दोस्तों। ये देखिए CNBC ने ये रिपोर्ट किया है, फिर यहाँ पे कॉइन टेलीग्राफ ने भी ये रिपोर्ट किया है। बेसिकली वो लोग ये कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया से जो फंड प्रेशर है, फियर अनसर्टेनिटी, और कि बहुत सारे लोगों से न्यूज़, बहुत सारे कंट्रीज से न्यूज़ आ रही है कि शायद बिटकॉइन को लेकर रेगुलेशंस होंगे, कुछ कंट्रीज बैन करने की बात कर रहे हैं, कहीं एक्सचेंजेस पे रेट्स पड़ रहे हैं। इंडिया ने भी जो है कल क्लैरिटी, हालांकि मुझे लगता है कि अरुण जेटली जी ने बजट स्पीच में तो काफ़ी क्लियरली बोला दोस्तों कि वो लीगल टेंडर नहीं है और सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए रोका जाएगा, लेकिन बहुत उसका मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज़्यादा मिसइंटरप्रिटेशन हुआ, और इसका डेफिनेटली इफेक्ट मार्केट पे पड़ा आज सुबह सुबह जो मुझे वो डेफिनेटली लगा दोस्तों। मिसइंटरप्रिटेशन बहुत हुआ है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया, ये देखिए मार्केट अनइंटरेस्टेड इन साउथ कोरियाज एक्सचेंज मार्केट KYC लेजिस्लेशन हुआ, फिर इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर्स क्रिप्टो रेगुलेशन रिलेटेड कमेंट्स। तो ये लोग बात करें, देखिए मतलब
जो इंडिया का जो ये मार्केट है, इंडिया का जो जो स्टेटमेंट है और इंडिया का जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर मार्केट है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कॉइन टेलीग्राफ जैसे जो वेबसाइट्स हैं अगर रिपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो डेफिनेटली इस चीज़ का इम्पैक्ट जरूर हुआ होगा दोस्तों। तो आपको मैं एक पॉजिटिव नोट पे आपको मैं एक और आर्टिकल दिखाऊंगा दोस्तों। चार्ली ली जो लाइटकॉइन के फाइंडर फाउंडर है, बहुत ही जो है इन्फ्लुएंशियल फिगर है क्रिप्टो करेंसी स्पेस में, उन्होंने ये कहा है, ये 3 घंटे पहले ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, कि वो बुलिश हैं बिटकॉइन और लाइटकॉइन के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट को लेके, लेकिन शॉर्ट टर्म जो है वो इम्पॉसिबल प्रेडिक्ट करना है। देखिए दोस्तों, चार्ली ली जैसे बड़े बड़े लोग जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत पहले से, इनफैक्ट फाउंडर्स हैं वो लोग बड़े बड़े करेंसीज के, वन ऑफ द टॉप करेंसीज है लाइटकॉइन, तो जब ऐसे लोग नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे दोस्तों, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई नॉर्मल आदमी, कोई टेक्निकल ट्रेडर या कोई भी आप और हम जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का लो क्या है दोस्तों। तो प्लीज इतना आप समझ के चलें दोस्तों कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर अच्छा है। अगर कंट्रीज ने बैन नहीं किया, मुझे नहीं लगता इंडिया बैन करने वाला है, मुझे नहीं लगता यूएस बैन करने वाला है, जापान ने तो हाँ बोल ही दिया है, अच्छे अच्छे जो एडवांस कंट्रीज है दोस्तों वो लोग बैन नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर बैन नहीं होने वाला दोस्तों, तो आगे जाके फ्यूचर ब्राइट है क्रिप्टो करेंसीज का। डेफिनेटली मुझे लगता है यूज केस है इस दुनिया में, ब्लॉकचेन बहुत सारे जो है जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, और मुझे लगता है हमें इसे टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो टाइम लग के ही बड़े बड़े कंपनीज बने हैं दोस्तों। गूगल इमीडिएटली इतना बड़ा कंपनी नहीं हो गया था लॉन्च के बाद, फेसबुक नहीं हुआ था लॉन्च के बाद इतना बड़ा। तो इन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को हम टाइम दें, इन क्रिप्टो करेंसीज को हम टाइम दें, और ये लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली प्रॉफिटेबल साबित होंगे। ये देखिए उनका इंटरव्यू है, ये पढ़िएगा जरूर। मैं नीचे जो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक छोड़ दूंगा जरूर। उन्होंने काफी चीजों के बारे में बात की है, एनईएम का और जो कॉइनचेक का हैक था एक्सचेंज का उसके बारे में बात की है, फिर उसके बाद ट्रेडिंग ऑप्शंस जो रॉबिनहुड नाम का एक जो बहुत फेमस जो ऐप है वहां पे जो चालू हुआ है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ऑप्शन, वही बोल रहे हैं कि मेन स्ट्रीम अडॉप्शन हो रहा है क्रिप्टो करेंसी को, अच्छी बात है कि रॉबिनहुड जैसे ऐप ने सपोर्ट किया। काफी इन्फ्लुएंशियल फिगर है दोस्तों, इनको अगर आप फॉलो नहीं करते तो प्लीज ट्विटर पर इनको फॉलो कीजिए, काफी जो है इनका इनका जो वर्ड है काफी माना जाता है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। तो ये इंटरव्यू पढ़िएगा जरूर दोस्तों, अच्छी बातें की हैं इन्होंने इस इंटरव्यू में, और उन्होंने खुद भी कहा है दोस्तों कि देखिए बाइंग एलटीसी इज एक्सट्रीमली रिस्की। तो अपने खुद के कॉइन के बारे में बोल रहे हैं दोस्तों कि आई एक्सपेक्ट अस टू हैव मल्टी ईयर बेयर मार्केट, तो वो ये बोल रहे हैं कि एलटीसी का अब जो दाम है वो गिर भी सकता है दोस्तों, राइट। तो जो एलटीसी का दाम पहले भी गिरा है $48 से $4, तो वो वही बोल रहे हैं अगर आप हैंडल नहीं कर सकते एलटीसी के प्राइस ड्रॉप्स को तो आप मत खरीदिए। तो दोस्तों बहुत क्लियर सिंपल मैसेज है उनकी ओर से भी कि आप प्लीज क्रिप्टो करेंसी में जो है उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आता है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया आप थोड़ा इस चीज से वाकिफ होंगे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आपने देखा कि उतार चढ़ाव कुछ ज्यादा ही लंबे आते हैं, ज्यादा ही जो बड़े आते हैं, तो उतार भी उतना ही खराब होता है जितना, और चढ़ाव भी उतना ही बड़ा होता है दोस्तों। तो ये बात हमें समझ के चलना पड़ेगा, इस मार्केट के डायनामिक्स जो है कुछ और हैं। धीरे धीरे हमें समझ में आएगा, जो अभी नए नए इन्वेस्टर्स ज्वाइन हुए हैं आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट चलता कैसे। जो थोड़े पुराने इन्वेस्टर्स हैं आप होल्ड करके रखें अपने कॉइन्स को, प्लीज आप पैनिक सेलिंग मत करें, क्योंकि आप ये याद रखिए दोस्तों जब तक आप कॉइन को सेल नहीं कर रहे हैं तब तक आपने कुछ नहीं लूज किया है, इस बात को ध्यान में रखिए। होल्ड कीजिए डेली डेली, आप अपना ब्लॉक फोलियो और अपना जो पोर्टफोलियो है कॉइन्स का उसको प्लीज देखना बंद कीजिए। शांति से दिमाग, ठंडे दिमाग से आप बस सोचिए कि इसका लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है, आउटलुक है अच्छा है, बस आप उस चीज़ को पकड़ के चलें। बड़े बड़े लोगों को फॉलो करें ट्विटर पे, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करें, तो आपका आउटलुक भी है जनरली पॉजिटिव रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ी पॉजिटिविटी दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी दोस्त के इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाए दोस्तों। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार अगर आप चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं और उनको भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।